नमस्ते शार्क, मेरा नाम है दादा साहेब भगत और मैं बीड महाराष्ट्र से आया हूँ। शार्क, मैं मानता हूँ कि लाइफ में किसी भी चीज़ को हालात के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए मैंने अपनी लाइफ खुद डिज़ाइन किया। छोटे से गांव में 10th तक पढ़ाई करने के बाद मुझे फैक्ट्री में वर्कर और ऑफिस बॉय जैसे जॉब मिले, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ की आग थी, वो है डिज़ाइन। इसीलिए मैंने अपने बचपन में अपने गाँव के पेंटर से ड्राॅइंग और पेंटिंग सीखा और ऑफिस बॉय का जॉब करते करते मैंने डिज़ाइन सीख कर डिज़ाइनर बन गया। शार्क, जब मैं डिज़ाइन इंडस्ट्री में काम कर रहा था तो मैंने रियलाइज़ किया कि हम किसी भी मौके का जब इनवाइट बनाते हैं तो वो सब सेम ही लगते हैं, चाहे वो शादी का कार्ड हो या बर्थडे इन्विटेशन हुआ। जब कोई डिज़ाइनर भी इसको नया क्रिएट करने जाता है तो उसको महीने का टाइम जाता है, लाखों रुपीस खर्च हो जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और डिज़ाइनर की लाइफ आसान करने के लिए हम लेके आए डिज़ाइन टेम्पलेट। डिज़ाइन टेम्पलेट एक ऑनलाइन डिज़ाइन का मार्केट प्लेस है जहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं प्रीमियम मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स, इलस्ट्रेशन और म्यूजिक। अगर कोई डिज़ाइनर एक डिज़ाइन करना चाहता है तो अगर उसको 10 दिन का टाइम लगता है तो वही हमारे टेम्पलेट यूज करके वो एक घंटे में काम खत्म कर सकता है। तो शार्क, जैसे दादा साहेब फाल्के ने इस रोमांचक भरी मूवी की दुनिया की शुरुआत की है, उसी तरह ये दादा साहेब भगत आपकी मदद से डिज़ाइन की एक नया दुनिया का शुरुआत करना चाहते हैं। शार्क, इसलिए मेरी आस्क है 1 करोड़ फॉर 2.5% इक्विटी। अरे वाह, हमारे पास 15,000 मोशन ग्राफिक्स के टेम्पलेट्स है। इसमें मूवी के ट्रेलर्स, वेडिंग इन्विटेशंस, एक्सप्लेनर वीडियोस, स्लाइड शो, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज है। हमारा जो मेन अभी टारगेटेड ऑडियंस है वो है यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर या डिजाइनर्स। ये स्पेशल हमारी वेडिंग कैटेगरीज है। वेरी नाइस यार, और इसको आप ऑल्टर कर सकते हैं, इसके पूरे रॉ फाइल्स आप देते हैं? यस, अभी इसे यहाँ से बाय कर सकते हैं वो टेबलेट। हाँ। और एडोब के जो सॉफ्टवेयर है उसमें वो एडिट कर सकते हैं। अच्छा, गॉट इट। हाँ, समझ गया। और इसके बाद हमारा खुद का भी यहाँ एडिटर आ जाएगा, वो वहाँ से भी यूजर उसको बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? ये अभी डॉलर में है क्योंकि हमारा मार्केट है इंटरनेशनली ज्यादा चलते हैं। तो कितना डॉलर लिखा है वहाँ? ये $6 है और ये $25 है। फर्क क्या है $6 और $25 में? $6 में हम अकेला यूज कर सकते हैं, अगर मल्टी लाइसेंस लेते हैं तो ज्यादा क्लाइंट्स के लिए यूज करते हैं। अच्छा, एक बार लेना है, एक सिंगल यूज और मल्टीपल यूज? मल्टीपल। अभी फुल टाइम टीम मेंबर्स हैं आपके पास? यस। कितने लोग हैं कंपनी? 15 लोग। आपका रेवेन्यू कितना है इस साल का? अभी तक पिछले साल का कितना था? अभी लास्ट मंथ का हमारा 16 लाख का रेवेन्यू है और लास्ट ईयर का हमारा जो था 1 करोड़ 60 लाख का था। उसके पहले 92 लाख का था, उसके पहले 32 लाख का था। और इस साल प्रोजेक्टेड कितना? हाँ, कितना करेंगे इस साल? 3 से 4 करोड़ तक करने वाले। इस साल अभी तक कितना रेवेन्यू है? अभी तक हमारा अप्रैल में जून जुलाई 1 करोड़ हो चुका है। आपका खर्चा कैसे चलता है जी? इसी से मैं सैलरी लेता हूँ। अच्छा, आपका सैलरी से? कितना सैलरी लेते हैं? मैं 60,000 लेता हूँ। और 1 करोड़ रुपए क्यों चाहिए? उसके 60% मार्केटिंग के लिए जाएगा। मार्केटिंग तो चाहिए नहीं, आपका कंटेंट है ना मार्केटिंग? नहीं, मार्केट प्लेस तो मार्केट करना पड़ेगा। एज एन इन्वेस्टर आज मुझे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कि आप ये वाला पार्ट कर पाएंगे या नहीं, ये समझ नहीं आ रहा है। तो एज ऑफ नाउ ये मुझे इतना इन्वेस्टेबल नहीं लग रहा है, प्लस इस एरिया में मेरी इतनी इंस्टिंक्ट नहीं है कि कैसा कंपेटिटिव लैंडस्केप है, तो आज मैं इससे बाहर रहना चाहूंगी। मैं आपका 1 करोड़ रुपए दूंगा, 10% इक्विटी लूंगा, प्लस मैं आपसे रॉयल्टी लूंगा 2% ऑफ रेवेन्यू, जब तक मेरे को 2 करोड़ वापस ना मिले। अगर ये एक डिजाइन बिजनेस होता, जो कि मुझे लगता है आपकी कोर काबिलियत है, तो मैं अभी का अभी चेक लिख देती। बट मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे फास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना है और आप डिस्ट्रीब्यूशन में जाना चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की मेरे पास हिस्ट्री नहीं है और मैं यहाँ स्ट्रगल कर रही हूँ, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। आपको मैं सेम ऑफर देता हूँ 1 करोड़ 10%, बट आप रॉयल्टी नहीं लेंगे। आपको रॉयल्टी नहीं देनी चाहिए, मेरा ये अपना पर्सनल बिलीफ। नहीं, मेरा ऐसा बिलीफ नहीं होता। 5% फॉर 1 करोड़। 5% आपका? यस, 1 करोड़। 20 करोड़ वैल्यूएशन। आपको जो आगे राउंड होंगे ना, उसकी अभी प्रिडिक्शन करना बहुत टफ है। yes, अभी चैलेंजेस हैं थोड़े से। 10 करोड़ इज नॉट अ बैड वैल्यूएशन। मैं आपको लूट भी नहीं। 100%। इट्स अ फैंटास्टिक वैल्यूएशन। सर, डील पक्की। ऑसम। चलिए, कांग्रेचुलेशन।
सर आप बोलते हो कि आप इस इंडस्ट्री के गुंडा हो, मैं मानता नहीं, आप मुझे लगता है बाजीगर हो, आपने इंडस्ट्री जीती हुई है। थैंक यू, चलिए कांग्रेचुलेशंस। निमो केयर रक्षा दुनिया का पहला ऐसे क्लिनिकल ग्रेड वेयरेबल डिवाइस फॉर न्यूबॉर्न बेबीज है, जो बेबी के पैर पे जाता है। सात की वाइटल पैरामीटर्स जैसा हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, बॉडी टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन को ट्रैक रियल टाइम कंटिन्यूस ट्रैक करता है, और सारे वाइटल्स अभी नर्सिंग स्टेशन पे रिले होता है एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड पे। अभी एक नर्स ऐसे मल्टीपल बेबीज को और कॉन्फिडेंटली टेक्नोलॉजी के साथ ट्रैक कर सकता है। एंड ये ही नहीं, खुशी जैसे बेबीज को डॉक्टर्स दुनिया के किसी भी कोने से हमारा IoT एनेबल प्रोडक्ट से ट्रैक कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं, हमारा AI प्लेटफॉर्म से आने वाली बीमारियों का प्रेडिक्शन भी किया जा सकता है, ताकि डॉक्टर्स को टाइम मिले ये टाइमली इंटरवेंशंस को करने और बेबीज को बचाने के लिए। ये डिवाइस बहुत बेबी फ्रेंडली एंड पोर्टेबल है। शार्क्स, हमारा मकसद बहुत क्लियर है, अगले 3 सालों में हम 1,000,000 बेबीज को बचाना चाहते हैं, इसलिए हमारा आस्क है 1 crore rupees for 2.5% equity in our company. We have a demo. We have a small demo, sir. Small demo. Newborn जब आती है NICU में, तब हमारे एक टैब होता है बेडसाइड पे, जहाँ पे नर्स पूरा डिटेल्स एंटर करती है, उसका ID क्रिएट होता है, और एक डिवाइस जो अभी चार्जिंग डॉक में है, एक डिवाइस एक निकाल के इसको टैग कर देती है। सो जब ये टैग हो जाता है, बेबी को ये डिवाइस से कनेक्ट हो गया। अभी इस पाउच में हमारा एक सॉक रहता है, और ये सॉक ऐसे, इट्स अ सिंपल स्ट्रैप ऑन डिवाइस, तो हम डिवाइस इसके अंदर डाल देते हैं और एंड द डिवाइस इज टचिंग द, यस एग्जैक्टली, सो द इंटरनल जो लाइट हमारा जो टेक्नोलॉजी वो प्रोब है, वो फुट के पास है, टच कर रहा है, और यहाँ से हमारा बेबी का वाइटल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। सर ये ओनली मतलब न्यूबॉर्न में सिर्फ NICU के समय क्यों, ये तो फिर उसके बाद में भी रेलेवेंट रहेगा। एग्जैक्टली व्हाट आई वाज गेटिंग टू सर, बेबी को जल्दी डिस्चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि अभी मॉनिटरिंग के लिए NICU में नहीं रखना चाहिए, तो अभी ये बेबी को हम माँ के पास ले जा सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग शुरू हो जा सकता है, पर ICU ग्रेड मॉनिटरिंग स्टिल ऑन। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉल्स अलार्म्स इन दिस? सो फर्स्ट स्टडी वाज टू शो एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स, सो SpO2 वाज 99%, हार्ट रेट वाज 98%, रेस्पिरेशन रेट 96%, टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट नो एरर ऑन दैट। सो दिस इज डैशबोर्ड, तो अभी नर्सिंग स्टाफ के लिए ऐसे दिखेगा सारे बेबीज इन वन शॉट। व्हाट क्लिक्ड ऑफ फॉर अस इज वी गॉट द फर्स्ट ग्रांट फ्रॉम द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। After the grant came, we built the product and then incorporated the company. Kitni grant aayi thi? Wo $100,000 ka tha. And then there was follow on. We got supported by BIRAC, Department of Biotechnology, to build an AI platform on top of the device. So the founders hold majority equity, 95% between us, 5% with the Center for Healthcare Entrepreneurship as an incubation fund. To aapke paas grant kitni aayi hai? Lagbhag 6 crores ka. 6 crore ke grant? Wow. Total. और कितनी कंपनीज से? 4 to 5. सो वी ऑल्सो हैव कॉर्पोरेट्स लाइक क्वालकॉम, गूगल, फॉर्च्यून 5 कंपनीज फ्रॉम द US हूव funded us through their accelerator programs. This is also coming as grant. So we have soft commitments of almost 40% of the round. And also we have our US patent granted, which is why a Fortune 5 is actually talking to us to implement in the commitment US. Commitment aapko 40 crore ki valuation pe hai. Yes. 40 crore. Yes. So 2021-22 mein we hit a 1 CR revenue. So that was approximately 150 devices that we put out. Okay. There. Then immediate next year we hit 70 lakhs on pure CSR, because again, the spend went to 70 lakhs. 70 lakhs. Okay. So the servicing was into next 3 months or 4 months of the next year. 2023. So we've done 30 lakhs is what we've done so far. So we are planning to, or we are hoping to hit 80 to 90 lakhs. मुझे ये कंपनी अभी भी pre-revenue जैसी कंपनी लगती है, तो मैं इसलिए आउट हूँ क्योंकि मैं pre-revenue type companies में invest नहीं करती। Issue ये कि अगर आप सिर्फ impact करें तो आपका valuation नहीं बनेगा। Exactly. अगर आप सिर्फ FDA करें तो उसके लिए आज आप थोड़े से अर्ली स्टेज में, पर मैं कोई हाफ हार्टेड अटेम्प्ट नहीं करना चाहता अपनी तरफ से, मैं पूरी तरह से पर्सनली कन्विंस नहीं हूं। आई गिव यू 10 लाख्स, ओके, फॉर 1% ऑफ द कंपनी, दैट 90 लाख आई गिव यू एज वर्किंग कैपिटल डेट, नो इंटरेस्ट, ओके, जब आपको चाहिएगा, नो इंटरेस्ट, आई डोंट वांट इंटरेस्ट ऑन दैट, डेट विल बी पेड लाइक we'll have to decide mutually. 1 year ka term rakhenge. Thank you so much, Piyush, for your offer. We would also like to hear any other offers. I'm happy to match jo Piyush ne valuation lagai hai, and I'm happy to go with him also.
तो मैं और विनीता मिलके आपको कंबाइंड ऑफर देते हैं 50 लाख पे 25-25 लाख ईच फॉर 5% और बाकी 50 लाख डेट एट 8% इंटरेस्ट ओवर 1 ईयर। थैंक यू सो मच विनीता। 20 लाख रुपए 1% 20 करोड़ वैल्यूएशन एंड 80 लाख डेट एट 10% फॉर 2 इयर्स। 20 लाख एट 0.67% ऑफ आवर कंपनी उठाएंगे और बाकी 80 लाख वी वांट टू टेक इट एज अ लोन। मैंने आपको ऑफर दिया था 20 लाख यस फॉर 1%, आप दे रहे हो 20 लाख फॉर 0.67% यस। ठीक है, आई एक्सेप्ट द डील। यस, चलो जी, वेल डन, वेल डन, थैंक्स, गुड जॉब, गुड जॉब। अब आपकी खुद की शादी हो या आप कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, आप एक नॉमिनल अमाउंट में अपनी पसंद का डिजाइनर वेयर रेंट पे ले सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं लहंगास, गाउन्स एंड अनारकलीज फॉर वुमेन एंड शेरवानीज, इंडो वेस्टर्न सूट एंड टक्सीडोज फॉर मेन। ये प्रोडक्ट्स यूजर्स हमारे वेबसाइट से या फिजिकल स्टोर से रेंट कर सकते हैं। हमारे स्टोर्स पर आपको एक्सक्लूसिव डिजाइनर लेबल्स जैसे कि गौरव गुप्ता, अमित अग्रवाल, सव्यसाची, शांतनु निखिल भी मिलेंगे। हमारा विजन है कि हम आने वाले 3 सालों में इंडिया में 100 से ज़्यादा फ्लाई रोप स्टोर्स खोलें। इसके लिए मेरी आस्क है 50 लाख रुपीस फॉर 1% इक्विटी। मैंने फ्लाई रोप फाउंड नहीं किया है, मैंने रेंटेड बे फाउंड किया था विद माई पार्टनर्स और हमने फ्लाई रोप को जो इस स्पेस में लार्जेस्ट प्लेयर था उसको अक्वायर करा। तो रेंटेड बे आपने कब स्टार्ट किया? 2016 में शुरू करा, अ फ्यू मंथ्स आफ्टर फ्लाई रोप। गॉट इट। रेंटेड बे में हमारी बूटस्ट्रैप कहानी थी, ये समझ आया कि टेक इनेबल्ड बिजनेस बनाना है, ऑनलाइन खुद करा काम, अपना फर्स्ट स्टोर भी खुद खोला। उसके बाद 2018 में हमने एक इन्वेस्टमेंट राउंड रेज करा, फर्स्ट राउंड, एंड फ्लाई रोप ने हमको 2019 जनवरी में फोन करके पूछा हम अपना कंपनी बेचना चाहते हैं, सो आर यू इंटरेस्टेड। उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े वीसी से पैसे रेस किए। जी जी जी, exactly. आपने कितना रेस किया था 2018 में? हमने तो सिर्फ 1.5 करोड़ का राउंड रेस किया था। क्या वैल्यूएशन? 6-6.5 करोड़ की वैल्यूएशन पे। और फ्लाई रोप ने कितना रेस किया था तब तक? फ्लाई रोप $10 मिलियन रेस कर चुका था। 10 मिलियन 70 करोड़। क्यों बेचना चाह रहे थे? उन्होंने काफी सारा पैसा वेस्टर्न वेयर रेंटल में लगाया। कुछ सालों बाद समझ आया कि वेस्टर्न वेयर में कैक कमी नहीं हो रहा था। लॉजिकली कितने लोग हैं जो रोज वेस्टर्न वेयर नया पहनते हैं? बिल्कुल। तो प्रोडक्ट को चेंज करके एथनिक वेयर करा। अब एथनिक वेयर ऑनलाइन रेंट कर रहे थे तो फिर समझ आया कि स्टोर्स खोलना जरूरी है, सो इट्स अ ओमनी चैनल बिजनेस। तो यहाँ तक आते आते काफी पैसा बर्न हो चुका था ऑलरेडी। राइट। तो स्टोर्स खोले जो स्टोर्स अच्छा रिजल्ट दिखा रहे थे, बट इन्वेस्टर्स ऐसे थे जो बहुत टाइम नहीं दे रहे थे उनको। तो अभी हमको लगा कि इट्स अ वेरी गुड डील। क्या डील क्या हुई थी? दिस वाज अ स्लम्प सेल, हमने कंपनी ने एक्वायर करी, बेसिकली बिजनेस ट्रांसफर करा स्लम्प सेल से और हमने ये 6 करोड़ में एक्वायर करा। फ्लाइरोप एज अ ब्रांड आज तक 37 करोड़ रेवेन्यू कर चुका है। okay. जिस साल हमने एक्वायर किया था उस पहले वाले साल में फ्लाइरोप ने 13 करोड़ रेवेन्यू किया था 25 करोड़ के बर्न पे। जब हमने एक्वायर करा हमने उस साल में 8 करोड़ का रेवेन्यू किया 4 करोड़ के बर्न पे। हमने ऑब्वियसली थोड़ा रेवेन्यू कम किया बट आइडिया वाज कि प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं। right. हमने मार्च में अपना पहला फ्रेंचाइज स्टोर साइन करा बैंगलोर में, 2020 और 1 हफ्ते बाद कोविड हो गया। हम स्केल तो थोड़ा सा ऑफलाइन की तरफ कर रहे थे बट हमारा ऑफलाइन धंधा ही बंद हो गया। इस साल हम अब तक 2.8 कर चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू क्लोज एट 7 करोड़ FY23 में। FY23 वाज 2.9 crore। और पिछले महीने कितना किया आपने? हमने क्लोज किया 63 पर। तो why only 7 crore? अभी तो सीजन आएगा आपका। बेसिकली हम अपने पहले 7 महीने में 40% रेवेन्यू करते हैं और बाकी के 5 महीने में 60% रेवेन्यू करते हैं। कितने पैसे बनाओगे 7 करोड़ में? कितने पैसे बनाओगे? हम 7 करोड़ हमारा GMV रहेगा तो 15% प्रॉफिट बनाएंगे हम। करोड़ रुपए? हाँ जी। फ्रेंचाइजी कितने पैसे लगाता है? 35 lakhs on a standard model. On a standard model. 35 lakhs. और साल में कितने कमाते हैं? After 1 year, after scaling. 2 साल में उसका ROI निकलता है। और हर महीने कितना profit ले जाता है? 16% net. Honestly, आपका जो business है, वो operationally बहुत challenging है. C2C business है especially. So it's a very challenging business for me personally. So I'm out. Operational metrics है ना? वो compared to standard businesses जो इस industry में हैं, उनसे खराब है. तो आई थिंक इसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बिफोर यू रेज मोर कैपिटल। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मुझे नहीं लगता कि आप इसका प्लान ऑफ एक्शन जो आपने चुना है वो एक्यूरेट है। मुझे लगता है आप कम करिए अपनी कॉम्प्लेक्सिटी और उस पर फोकस से चलाइए तो शायद बढ़ेगा। आज मैं बाहर हूँ। आपकी जो कैप टेबल है ना काफी मैसी है।
54% with a micro VC. मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मैं आप में पैसे डालूंगा या आपके माइक्रो वीसी में डालूंगा. So that's my biggest challenge and that's the reason I'm out. So मैं आपको दूंगा 50 lakhs for 5%. I am asking कि आप 50 lakhs 3% पे देना चाहेंगे. That's a good counter. That's a good counter. I'll give you a counter. ना आपकी ना हमारी बीच में 4%. Done. Let's do it.